मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर वर्चुअल रूप से महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास किया। इस दौरान डूंगर गांव विधायक दलेश्वर साहू, कलेक्टर डुमान सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने रायपुर से वर्चुअल माध्यम से शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ राजनांदगांव जिले के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में डूंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू, कलेक्टर डुमन सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित बैठकों को आजीविका के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ग्रामीण उत्पाद एवं सेवा केंद्र के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, जिससे लोगों को लाभ मिल सके। गौठानों में वर्मी कंपोस्ट, मुर्गी पालन, बकरी पालन का कार्य भी आगे बढ़ रहा है। इसी के तहत एक नई पहल की शुरुआत शासन द्वारा की गई है, जिसमें महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास कर शुरुआत की। शासन के निर्देश पर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो गांव से जुड़ा हुआ, गांधी जयंती के अवसर पर आज हमारे जिले के 4 ब्लॉक में 8 जगह ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से और यहाँ पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में। अब यहाँ पर गौठान के पास जो रीपा जहाँ पर हम लोगों को विकसित करना है, वो बहुत तेजी से लोग उसमें जुड़ेंगे और अपनी आमदनी का जरिया बढ़ाएंगे। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का मतलब है कि आजीविका गुड़ी, मतलब जो आजीविका मिशन से जुड़े हुए महिलाओं के लिए, नौजवान साथियों के लिए एक जीवन को जीविका उपार्जन करने का एक साधन बनेगा। और यहाँ पे छोटे छोटे कुटीर उद्योग के रूप में हमारे मुख्यमंत्री की जो कल्पना है वो निश्चित रूप से सार्थक होने जा रहा है।